मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य के विकास के मामले पर चर्चा की गई। साथ ही 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति के निर्धारण को लेकर भी मुख्यमंत्री सोरेन सर्वसम्मति बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि यूपीए के घटक दलों में कोई विरोध न रहे। हालांकि पिछले दिनों 1932 खतियान लागू करने के प्रस्ताव पर लगे मुहर के बाद कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने इस पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। ऐसे में इस यूपीए विधायक दल की बैठक में गीता कोड़ा भी पहुंची थी। हालांकि बैठक से निकलने वाले मंत्री और विधायकों ने 1932 खतियान को लेकर हुई चर्चा से साफ इनकार किया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई है। मंत्री उपस्थित थे और बहुत ही सार्थक चर्चा हुआ। अपना अपना क्षेत्र का सड़क, पानी के व्यवस्था और भी अन्य समस्या के बाद वो माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं और सारे लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है हमको लिख कर दीजिए, जो भी हो सकता है हम आपको करेंगे। यही बातचीत हुई। क्या 1932 खतियान को लेकर विरोधाभास को लेकर अभी चर्चा है? देखिए, 1932 को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, पहले भी हमने कहा, आज भी बोले, और इसका पर ज्यादा चर्चा कहीं भी नहीं हुई। कहिए, आप इसको हम लोग पहले ही, इसको हम लोग 1932 का खतियान को स्वागत कर चुके हैं और उसमें जो भी है, जब एक्ट बनेगा, जहाँ कमी होगा उसको हम लोग दूर करेंगे। तो वही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 1932 खतियान को लेकर कोई भी समस्या नहीं है। आज की बैठक मूलतः पूर्णता विकास पर आधारित बैठक थी और कैसे राज्य को विकास की ओर ले जाना है, और कई एक और विषय ऐसे हैं राज्य के गंभीर विषय, जिन विषय को मंत्रिपरिषद में भी लाना है और राज्य की जनता को इस सरकार से बहुत आशा विश्वास है। तो हम लोगों ने बहुत तरह की बात की है कि जो कुछ कुछ लोगों के जो मांग हैं, उन मांगों को कैसे पूरा किया जाएगा, क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे होगा, राज्य चौमुखी विकास की तरफ कैसे जाएगा, आदि आदि विषय पर बहुत गंभीरता पूर्वक बातचीत हुई है। अरे कुछ ना भाई, सब ठीक बा, कोई चिंता फिक्र नहीं खे। जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि गठबंधन के सभी नेता 1932 खतियान लागू करने के मामले पर एकमत है, इसलिए कोई भी विरोधाभास की स्थिति नहीं है। राज्य में विकास के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए बुलाई गई थी। माननीय विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से विकास योजनाओं में विधायकों की भागीदारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में इस बैठक के फलाफल आपके समक्ष होंगे। ये जो सर्वे को लेकर बार बार अंतिम सर्वे को लेकर कांग्रेस से जो आवाज उठी थी, उस संदर्भ में भी कोई बातचीत हुई? बिल्कुल नहीं। गठबंधन दल पूर्णतया एकजुट है और कांग्रेस से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए हुए प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करते हैं। तो विरोध हो रहा बार के, भाई 32 के बाद भी सर्वे हुए, उसको आप शामिल कीजिए, आप ही के लोग कह रहे हैं, आप ही के गठबंधन के लोग? हमारे गठबंधन के लोग 32 के सर्वे का समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, वो समय के साथ दूर हो जाएंगी। आज स्पेशली गीता कोड़ा जी को बुलाया गया था? नहीं, गीता कोड़ा जी आई थी चलकर, निश्चित रूप से उनके क्षेत्र की समस्याएं थी जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपनी बात रखी कि नहीं, जो वो लगातार मीडिया में बोल रही हैं वो आप लोगों के पास? नहीं, उन्होंने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष शायद रखी होगी, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आज की बैठक पूर्णतया केंद्रित इस बात की थी कि विकास योजनाओं में विधायकों की भागीदारी करा के कैसे उसको गति दिया जाए। लेकिन सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि उन्होंने 1932 खतियान लागू करने से कोल्हान क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है और उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी और आगे भी इस पर चर्चा होगी। विगत दिनों जिस तरह से कैबिनेट में 1932 के कटअप को दिया गया, तो उस विषय पर काफ़ी बाहर में चर्चाएं हुई, काफ़ी तरह की बातें हुई, तो आज मुख्यमंत्री भी इस पर जानना चाह रहे थे, क्योंकि हमने लिखित तौर पर भी माननीय मुख्यमंत्री को कुछ सुझाव दिए थे और आज इस बैठक के माध्यम से वो ये भी जानना चाह रहे थे कि और इस पर क्या विचार है और इस पर क्या, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सुनना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि अभी और भी कई बातें इस पर आ रही हैं, जिस तरह से जो 1950 में जो एक्ट बने जिसमें जमींदार प्रथा को ख़त्म किया गया, जिसमें राजाओं ने जमीन, कई सारी जमीन
जमीन जो है वापस गवर्नमेंट को दे दी, तो उन जमीनों का क्या होगा? उसके बाद जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, बिरहोर्स है, उन लोगों का क्या होगा, जो जंगलों में रहते हैं उन लोगों का क्या होगा? इन सब विषयों को हमने रखा माननीय मुख्यमंत्री के सामने और बहुत पॉजिटिवली आज चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि और एक बैठक हम लोग इस पर रखेंगे जिसमें सभी चीज़ों को समाहित करते हुए हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ जिस तरह से आज मेरी बातों को सुना गया, जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि ये कटअप डेट को नहीं दिया जाए बल्कि खतियान आधारित हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको काफी गंभीरता से लिया है और एक बार इस पर बैठने की बात हुई। वही भाजपा में इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी खुलकर इसके विरोध में नहीं बोल रहे हैं और वे कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने ही अपने शासनकाल में इस फॉर्मूले के आधार पर नीति बनाई थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने इस नीति को सिरे से नकार दिया है। वे अपने शासनकाल में बनी नीति को श्रेष्ठ बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1985 के कट ऑफ डेट का निर्धारण सबको स्वीकार्य था। सुनिए रघुवर दास ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। ये जो स्थानीय नीति बनाकर 3.25 करोड़ जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है, राज्य की जनता को धोखा दे रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 15/11/2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के बाद उस समय सरकार ने अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 29/9/2001 द्वारा एकीकृत बिहार के परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/1982 को अंकित किया गया, जिसमें जिला के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की पहचान, उनके नाम, जमीन, वास्तविक और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर की गई थी। इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने दो बात यथा WPPIL 4050/2002 एवं बात संख्या WPPIL 2019/2 के मामले में 27/11/2002 को पारित अपने विस्तृत आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के जरिए स्थानीयतों को परिभाषित किए जाने संबंधी संकल्प को गलत बताया। आपको बता दें कि 1932 के खतियान को लेकर भाजपा के रवैये पर भी सत्ता पक्ष की नजर है, क्योंकि भाजपा के अंदर इस मसले पर विरोधाभास नजर आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।